वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वही मैं भी हूँ। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग जो शुरू हो रहे दोपहर के अभी शायद सुबह के अभी 10:30 टाइम हो रहा है। तो अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में बहुत दिन बाद जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था बोगलो हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो अभी वही जा रहा हूँ क्लिनिकल्स थोड़ा बहुत सीखने के लिए, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के फिर आपसे। बहुत दिन बाद इस खूबसूरत रास्ते से जा रहा था तो सोचा क्यों ना गुनगुनाया जाए, तो इसीलिए व्लॉग का शुरू ही हुआ बहुत अच्छे से एक मीठा सा गाने के साथ। अगर गाना अच्छा लगा तो प्लीज़ शुरू में एक लाइक का बटन दबा दो, और कमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कमेंट कर सकते हो। अभी अभी घर आया हूँ और जस्ट अभी अभी नियोनेटल बेबी देख के आया हूँ, वो मज़ा आ गया। मगर उस बेबी का ना थोड़ा कंजेनिटल डिजीज था, कंजेनिटल डिस्प्लेजिया, सॉरी वो जो डिजीज बताया था वो था एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। सो उसमें क्या होता है, हेयर नहीं आते हैं बहुत, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में हेयर आते हैं और थोड़ा सा पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कि ना मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ इसमें देख सकते हो। और बाय द वे अभी आने के बाद बहुत दिन बाद स्निकर, जैसे कि आप देख सकते हो हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया जो मैंने लिख रखा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। चलो एक आपको फ़ोटो शो करता हूँ, फ़ोटो आपको दिख रही होगी। अब इस फोटो पे ये जो फ़ोटो है ये आपको दिख रहा होगा, आज ये जो पेशेंट है ना, आज मैंने ये पेशेंट को देखा। और इस पेशेंट को देखने के बाद मैंने जो मतलब आके घर पे थोड़ा रिसर्च किया कि ये एक्चुअली होता क्या है, फिर रिसर्च करते करते फिर पता चला जो जो चीज़ होता है उसके बारे में। फिर आपको भी बता देता हूँ, अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अगर कुछ ऐसा दिखता है तो उसमें क्या क्या, उसमें एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया कैसे आप पहचानोगे कि कैसे हो सकता है, ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी आपको बता देता हूँ, आप देखते रहिए, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, आपको बस सुनना है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, हेरिडिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द डिफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर। एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर में जैसे कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। मतलब ये अगर जीन में होगा तो ही आएगा, अगर जीन में नहीं है तो नहीं आएगा। और ये जो जीन है ना, ये अपन को एक होता ना एक्स लिंक वाई लिंक्ड, सो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि क्या होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो उनके लिए आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। अब व्लॉग देख रहे हो उसके बीच में मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, तो अभी बात करते हैं हेरिडिटी डिसऑर्डर जो है ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ये स्किन में हो सकता है, नेल में हो सकता है, स्वेट ग्लैंड जहाँ से हमारे पसीना आता है उसमें हो सकता है, सीबेसियस ग्लैंड वहाँ पर हो सकता है, और हेयर फॉलिकल, इन पर इफेक्ट आ सकता है जो कि ना एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर में आता है। अगर बात की जाए कि ज़्यादातर किस में होता है, मोस्टली इसमें मतलब इतना कुछ है नहीं, फिर भी मोस्टली देखा जाता है जब मेल में ज़्यादा मिलता है। सो मेल में ज़्यादा मिलता है उसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है, तो हाइड्रोसिस इसमें क्या होता है, इसमें ना स्वेट मतलब पसीना आना कम हो जाता है, लैक ऑफ स्वेट मतलब बहुत कम पसीना आता है, जिसकी वजह से हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है जो कि ना इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो होगा ही भाई, पसीना आ नहीं रहा है बॉडी के अंदर, पसीना है बाहर नहीं आ रहा है, और पसीना हमारे बॉडी को क्या करता है, ठंडा करता है, तो वो होता नहीं है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सेकंड बात करते हैं हाइपोट्राइकोसिस, इसमें क्या होता है हेयर फॉलिकल जो है ना, जैसे बाल हो गए, फिर आईब्रो हो गया, या जब बड़े हो जाएगा उसका जब बियर्ड आएगा वो नहीं आएगा, मतलब यही सब चीज़ होता है जिसमें क्या एब्सेंट हो जाता है हेयर फॉलिकल्स, कभी चेस्ट पे कभी बाल नहीं आएंगे। ये सबसे गंदा तो तभी लगेगा ना जब लाइक आईब्रो नहीं रहेगा, और अगर आईब्रो नहीं रहेगा तो वो धूप में भी नहीं जा सकता है, बहुत सारी दिक्कत आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोडोंशिया, इसमें क्या होता है ये ना टीथ एब्सेंट हो जाता है। अब इसमें भी अलग अलग होता है, एनोडोंशिया, ओलिगोडोंशिया, जो अलग आपको जिनको नहीं पता है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिससे क्या क्या हो सकता है कि शार्प टीथ हो जाती है, और इनसीजर टीथ जो होती है ना वो नैरो हो जाती है, साथ साथ और भी लाइक
टीथ का जो शेप है कुछ ऐसे ऐसे टाइप का बनता है, कुछ ऐसे इतने नुकीले हो जाते हैं, शार्प, बिल्कुल शार्प नुकीले टीथ हो जाते हैं। और ये सब जब पैदा होगा ना तभी पता चलता है। अब न्यू बॉर्न बेबी है, देख लो ये जो फोटो दिखाई पहले, इस फोटो में देख सकते हो कि न्यू बॉर्न बेबी है उसमें हो रखा है। तो और साथ साथ जो भी फीचर है वो भी बता देता हूँ। फ्रंटल वॉशिंग हो जाती है, प्रोट्यूबेंट लिप्स हो जाती है, डिफेक्ट एंड एबसेंट स्वेट ग्लैंड्स, वो तो पहले ही बता चुका हूँ। सीडोरेगेट फॉर्मेशन हो जाती है, सीडोरेगेट जो है ना तब इसी में बनती है सीडोरेगेट, जो कि ना एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। अगर सीडोडर्मल की जगह अगर बोल दे कि ट्रू रेगेट फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये कंजेनिटल सिफिलिस में होती है, जो कि ना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। अगर आपको जानना है, मतलब बहुत लोगों को होता है ना कि जीके का नॉलेज ज़्यादा करना है, मतलब जनरल नॉलेज ज़्यादा करना है, तो उनके लिए ये सीडोरेगेट फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया में, और कॉन्जेनिटल सिफिलिस में होता है ट्रू रेगेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। डिफेक्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड का भी, अगर सलाइवरी ग्लैंड में डिफेक्ट होगा तो इसमें स्वेट, मतलब पहले बताया स्वेट कम होती है और सलाइवा की भी सिक्रेशन कम हो जाएगी, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। ये जब ऐसे डिफेक्ट हो जाता है ना सलाइवरी उसमें ग्लैंड में, तब इसको बोलते हैं जीरोस्टोमिया। इस टर्म को बहुत जगह पे पूछा जाता है, मतलब मेडिकल जगहों पे, जीरोस्टोमिया क्या होता है, तो यही है सलाइवा सिक्रेशन जब रुक जाती है। तो तब हम लोग क्या क्या देते हैं इनको, आर्टिफिशियल डेंचर देते हैं जो कि सॉफ्ट लाइनर होता है, आर्टिफिशियल डेंचर, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल सलाइवा भी देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग क्या क्या रिकमेंड करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट, जो कि स्किन प्रॉब्लम है तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करवाना हो सकता है। डर्माटोलॉजिस्ट, जो कि स्किन का जो डॉक्टर है उनको दिखाना होता है, और साथ में डेंटिस्ट कंसल्टेंट, लाइक जो भी डेंटिस्ट होगा दांत के लिए उनको दिखाना होता है, और ओरल सर्जन। सो ओरल सर्जन मतलब मुंह के अंदर वाले जो सर्जन होते हैं उनके लिए है, डेंटिस्ट और ये ओरल सर्जन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा। तो यही था कॉन्सेप्ट हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया का, जो कि एक नया टॉपिक था, बहुत दिन हो गया था कोई ज्ञान की बात किया नहीं था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, बाकी वीडियो को एंजॉय करो। अभी टाइम हो रही है 4:30, और कितनी तेज़ धूप हो रखी है, और मेरे को अभी विराट को लेके जाना है फोटोज को, फुटबॉल मतलब एकेडमी लेके जाना है, और वो रेडी हो रहा है अभी। देख सकते हो कितना ज़्यादा ही धूप है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, और थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, कौन कहेगा। देखो हल्का भीगा भीगा है, देखो पानी भी है, और अभी इतना तेज़ धूप भी, देखो गीली मिट्टी। तो जाते हैं विराट को लेके आते हैं। वाओ, सो ड्रामेटिक। सो अभी मैं और विराट जा रहे हैं खेलने, विराट खेलेगा मैं देखूंगा। हाँ विराट, विराट ने अपना फुटबॉल ले लिया है, तो चलते हैं। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. So Virat khel raha tha, Virat khelte khelte achanak bahut tez barish aa gayi hai, aur barish aane ki wajah se hum log ek shed ke niche khade ruke hue the। तो अभी क्या है कि सामने सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे, फिर से बारिश के अंदर चले गए, मगर विराट है छोटा, तो मैंने बोला कि नहीं तुमको नहीं खेलना है, तुम मेरे पास ही खड़े रहो, बारिश खत्म होने के बाद घर चलेंगे। बारिश में थोड़ा सा मैं और विराट भीग चुके थे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा चाय पीते। चाय पीने के लिए चाय वाले के पास आए, और वहीं पर स्टेशन के कॉर्नर पर ही है चाय वाला। तो यहाँ पर आने के बाद एक ट्रेन दिखा, और ट्रेन में विराट को समझा रहा था कि ट्रेन के आगे जहाँ पर लिखा रहता है जिस जगह का नाम, वहीं पे ट्रेन जाती है। तो सामने लिखा हुआ था गेदे, तो मैंने विराट को सिखाया ये ट्रेन गेदे जा रही है। सो मैं और विराट अभी अभी आए घर पे, और दोनों भीग चुके थे, अगर चेंज वेंज कर लिया, फिर चाय पीने गए थे, वहाँ से चाय भी पी के आए बाहर से। दो बार चाय पिया मैंने विराट ने, और फिर फुचका भी खाया, फुचका मतलब गोलगप्पे। और आके देखा दीप आया हुआ है, और दीप आके मस्त गेम खेल रहा है, वाईफाई का मज़ेदार लुत्फ उठा रहा है। तो भाई मगर प्रो लेवल प्रो गेमर है, मतलब बहुत सही खेलता है। विराट तो ऐसे ही सीख जाएगा गेम। देखो दीप खेल रहा है, और वो बोल रहा है इस मैन को मारो, उस मैन को मारो, पूरा उसको सब कुछ पता है। खेलता नहीं है मगर उसको सब पता है इस उम्र में ही।
सो आशा करता हूँ आपको आज का जो डिस्कशन था ये भी अच्छा लगा होगा, पूरे बात क्या 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 होता है। सो एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया के बारे में पूरा अच्छे से समझाया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपको पता था ये कमेंट में लिखना कि हाँ मेरे को पता था, अगर नहीं पता था तो प्लीज़ कमेंट पे छोड़ के जाना नहीं पता था, थोड़ा बहुत सीखने को मिला। अगर ऐसे सीखना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को फॉलो करो और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो शेयर करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।